हेलो व्यूअर्स, आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल वर्मिसली। इसे ज़्यादातर मीठा बनाया जाता है, पर आज हम इसे वेजिटेबल्स के साथ बनाएंगे। ये हम ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और इवनिंग स्नैक की तरह भी एंजॉय कर सकते हैं, जो कि न्यूट्रिशन से भरपूर है। इसके लिए हमने ली हैं वर्मिसली की सेमियाँ। ये बैम्बिनो की सेमियाँ हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया है पैकेट। इसके लिए अब हम पानी ले लेंगे, जिसे हम उबलने के लिए रख देंगे। पानी में हम एक चम्मच नमक और एक बड़ा चम्मच ऑयल का डाल देंगे, जिससे कि ये सेमियाँ खिली खिली बनती हैं। उसके बाद ये पानी में उबाल आ गया है। अब इस उबलते हुए पानी में हम वर्मिसली ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छे से हिला लेंगे और मिक्स कर लेंगे। जब तक ये पक ना जाए, हम इसे हिलाते रहेंगे। ये बहुत ही जल्दी पक जाती हैं, तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है, नहीं तो ये बिल्कुल आपस में चिपक जाएंगी और खाने में टेस्ट भी नहीं आएगा। इसे 5 मिनट हो चुके हैं उबलते हुए। अब हम इसे चेक कर लेंगे। हम इसमें करछी की मदद से थोड़ी सी वर्मिसली अपनी करछी में लेते हुए इसे प्रेस करके देखेंगे। अगर तो ये आसानी से टूट जाती है, तो ये वर्मिसली पक चुकी है। अब हम इसे छान लेंगे। मैंने एक बोल में स्ट्रेनर लगा के तैयार कर लिया है और इसे मैंने छान लिया है। इसे छानते ही इसमें इमीडिएटली हमें ठंडा पानी डाल देना है, ताकि ये खिली रहें और ओवर कुकिंग से बच जाएं। अब हम इसे साइड में रख देंगे। आइए अब इसके लिए हम वेजिटेबल्स काट लेते हैं। इसके लिए हमने ली हैं मटर, आलू, प्याज, बीन्स, गाजर और 2 हरे मिर्च। इन वेजिटेबल्स को हम चॉप कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें इसका तड़का तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमें 2 TBSP ऑयल, इसमें हम पहले 1 चम्मच सरसों तड़कने के लिए डाल देंगे। उसके साथ ही हम ज़ीरा ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसे एक एक करके सारी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। पहले हम इसमें प्याज, आलू, मटर, गाजर और बीन्स, हमने सारी वेजेस इसमें ऐड कर दी हैं एक साथ, और हम इसे हम चला लेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन्हें हमें 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाना है, जिससे कि अच्छे से पक जाएंगी और क्रिस्पी भी रहेंगी। अगर हम स्लो फ्लेम पे पकाते हैं, तो ये क्रिस्प नहीं बनेंगी। हाई फ्लेम पे इनकी क्रिस्पीनेस बनी रहती है। इसे हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे हिलाते हुए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चला लेंगे इसे हम। अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच नमक, और मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। और याद रखें, जब भी हम मसाले डालें तो फ्लेम स्लो कर लेनी चाहिए, क्योंकि हाई फ्लेम पे मसाले जलने का डर बना रहता है और टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। ये अच्छे से हमने इसमें मिक्स कर लिया है और मसाले मिक्स कर दिए हैं सारे। अब हम इस पर ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। आइए हम इसे चेक करते हैं। हमारी सब्जियाँ अच्छे से पक गई हैं। इन्हें थोड़ा सा हिलाते हुए हम इसमें अब वर्मिसली ऐड कर देंगे। देखिए आपकी वर्मिसली कितनी खिली खिली है, क्योंकि इसमें हमने पानी डाल दिया था। ठंडा पानी डालने से ये खिली खिली रहती है, आपस में जुड़ती भी नहीं है। ये ट्रिक आप चाउमीन में भी कर सकते हैं। चाउमीन बनाते समय भी आप ठंडा पानी डाल देना चाहिए एकदम से, जब हम इसे स्ट्रेन करते हैं। अब हम इसमें नींबू डाल देंगे 1 चम्मच, और 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप का डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। हमारी वर्मिसली बनके तैयार है। देखिए कितनी जल्दी बनाई हुई रेसिपी है। कभी भी हम इसे अपने नाश्ते में बना सकते हैं, या शाम को बच्चों को भूख लगे तो इवनिंग स्नैक की तरह भी एंजॉय किया जा सकता है इसे। देखिए कितनी खिली खिली बनी है ये। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए
और बताइए कि आपको कैसी लगी अपनी फैमिली में बनाकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।